हे गाइस, आई होप मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। सो चलिए फटाफट अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक टॉपिक रह गया था, सो मैं आज आपको फटाफट वो टॉपिक कवर कराऊंगी। ज़्यादा न्यूज़ यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगी नहीं। सो टॉपिक है बुक्स एंड ओबिचरी, एंड हम इस टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है बुक्स एंड ओबिचरी का। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च द बुक टाइटल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इन रामेश्वरम। तो सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इस बुक को लॉन्च किया गया रामेश्वरम में। मेरा पहला क्वेश्चन है इस बुक को किसने लॉन्च किया, एंड सेकेंड क्वेश्चन है इस बुक के राइटर्स कौन हैं, ठीक है। सो जब हम बात करेंगे इस बुक को किसने लॉन्च किया, सो इस बुक को लॉन्च किया गया बाय अमित शाह। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड अगर हम इस बुक के राइटर की बात करें तो डॉक्टर नजीमा मराइकर एंड डॉक्टर YS राजन, ठीक है। सो यहाँ आपको ये राइटर्स के नाम भी याद रखने हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिलीज अ बुक टाइटल इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ठीक है। सो बुक का नाम क्या है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। इस बुक को किसने रिलीज किया, एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें इस बुक को किसने रिलीज किया, तो ध्यान रखिएगा इस बुक को रिलीज किया वी रामा सुब्रमण्यम। एंड अगर हम बात करें इस बुक के राइटर के, सो राइटर इज बिपिन चंद्र, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, शिवांगी एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। सो बुक का नाम क्या है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। इस बुक के राइटर का नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है। सो अगर हम इस बुक के राइटर की बात करें, सो द करेक्ट आंसर इज रस्किन बॉन्ड, ठीक है। सो अगर आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर है। एंड द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इसके राइटर है रस्किन, ठीक है। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज, ठीक है। एंड इस बुक को पब्लिश किया है किसने, हार्पर कॉलिंस। बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको ये याद रखना है स्मोक एंड एशेस जो बुक है उसके ऑथर कौन है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें, हेयर करेक्ट आंसर इज अमिताभ घोष, एब्सोल्युटली करेक्ट शिवांगी, ठीक है। सो अमिताभ घोष इज द करेक्ट आंसर फॉर स्मोक एंड एशेस। हु हैज लॉन्च अ बुक टाइटल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो आपको मुझे ये बताना है कि रिफ्लेक्शन नाम की जो बुक है इसके ऑथर कौन है, ठीक है। फटाफट आंसर करिए। सो अगर हम बात करें इस बुक को किसने लॉन्च किया, सो इस बुक को लॉन्च किया गया बाय निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया। अगर हम इस बुक के राइटर की बात करें, सो नारायणा वाघुल, ठीक है, ये इस बुक के ऑथर हैं, ओके। चलिए सो द हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण, एंड आपको ऑथर भी याद रखना है। चलिए Who has been awarded the prestigious Lipzig Book Prize for European Understanding in 2023? ठीक है, तो ये books के regarding एक award है, देख लीजिए। Lipzig Book Prize for European Understanding in 2023, ये prestigious award किसको दिया गया है? And अगर हम यहाँ correct answer की बात करें, so the correct answer is Maria Stepanova, ठीक है। चलिए Who is the author of the book title Collective Spirit? कॉन्क्रीट एक्शन, क्या नाम है बुक का, कलेक्टिव स्प्रिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन नाम की जो बुक है उसके ऑथर कौन है, ठीक है। सो कलेक्टिव स्प्रिट कॉन्क्रीट एक्शन, आप इस बुक का नाम याद रखिएगा। एंड अगर हम ऑथर की बात करें, सो हेयर करेक्ट आंसर इज शशि शेखर वेम्पति, ठीक शिवांगी करेक्ट है, शशि शेखर वेम्पति इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एज द व्हील टर्न्स, क्या नाम है बुक का, एज द व्हील टर्न्स,
ठीक है. सो एज द व्हील टर्न्स, बुक के ऑथर का नाम आपको मुझे बताना है. एंड अगर हम बात करें एज द व्हील टर्न्स बुक के ऑथर का नाम, सो रंजीत प्रताप इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो एज द व्हील टर्न्स बुक के ऑथर का नाम है रंजीत प्रताप. देन हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक टाइटल्ड फिनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द एमरजेंसी. ठीक है, यानी 1947 टू 1977. सो एक बुक आई है फिनेंस मिनिस्टर के रिगार्डिंग, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 टू 1977. एंड इस बुक के ऑथर का नाम आपको मुझे बताना है. ठीक है. सो अगर यहाँ करेक्ट आंसर की बात करते हैं, हेयर करेक्ट आंसर इज ए के भट्टाचार्य. ठीक है. सो ए के भट्टाचार्य इज द करेक्ट आंसर फॉर द बुक फिनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. Who is the author of the new book titled Made in India 75 Years of Business and Enterprise? क्या नाम है बुक का? Made in India 75 Years of Business and Enterprise. ठीक है. So बुक का नाम याद रखिएगा. यहां हम बात करें Made in India की. एंड अगर करेक्ट आंसर की बात करें, सो अमिताभ कंत इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अमिताभ कंत इज द करेक्ट आंसर फॉर Made in India. Yes, absolutely correct. Who is the author of the book titled The India Metropolis Deconstructing India's Urban Spaces? ठीक है. So book क्या है? The India's Metropolis. इस बुक के आपको मुझे ऑथर का नाम बताना है. एंड अगर हम बात करें द इंडिया मेट्रोपोलिस बुक का, सो यहाँ जो ऑथर है उनका नाम क्या है? फिरोज वरुण गांधी. क्या नाम है? फिरोज वरुण गांधी. ठीक है. Who is the author of the book titled The Yoga Sutra for Children? ठीक है. So Yoga Sutra for Children नाम की जो book है, इस book के author का नाम आपको मुझे बताना है. क्या नाम है? Yoga Sutra for Children. And अगर यहां correct answer की बात करें, correct answer है option number D, that is Rupa Pai. ठीक है. Rupa Pai is the correct answer for the book Yoga Sutra for Children. D is the correct answer. Yes. Who is the author of the book title Prism, the ancestral abode of rainbow? ठीक है. So Prism नाम की जो book है आपको मुझे बताना है इसके author का नाम. क्या नाम है book का? Prism. ठीक है. So हम Prism book के अगर author की बात करें, so here correct answer is what? Here correct answer is option number A, that is Vinod Mankara. क्या नाम है? Vinod Mankara. ठीक है. Who is the author of the book titled Master Residential Real Estate? क्या नाम है बुक का? Master Residential Real Estate. ठीक है. So Master Residential Real Estate बुक की हम बात कर रहे हैं. कुछ ऑप्शंस आपके अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि अमृत सेन, इसके अलावा शशि थरूर, चेतन भगत, ये कुछ नाम वैसे ही एलिमिनेट हो गए. यहाँ जो करेक्ट आंसर है डेट इज अश्विंदर सिंह. क्या नाम है? अश्विंदर सिंह. ठीक है. सो मास्टर रेसिडेंशियल रियल स्टेट बुक के ऑथर का नाम है अश्विंदर सिंह. देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड. क्या नाम है बुक का? द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड बुक के ऑथर का नाम आपको मुझे बताना है. ठीक है. सो अगर यहां करेक्ट आंसर की बात करें, यस करेक्ट आंसर इज बी के शिवानी. ठीक है. बी के शिवानी इज द करेक्ट आंसर फॉर द बुक द पावर ऑफ वन थॉट. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रिंग साइड. क्या नाम है बुक का? रिंग साइड. सो रिंग साइड बुक के ऑथर का नाम आपको मुझे बताना है. एंड आपके सामने ऑप्शंस है. सो अगर हम बात करें रिंग साइड बुक के ऑथर का नाम, सो हेयर करेक्ट आंसर इज डॉक्टर विजय दर्दा. ठीक है. सो डॉक्टर विजय दर्दा इज द करेक्ट आंसर फॉर द बुक टाइटल रिंग. क्रिकेटर ब्रायन टेबर पास्ड अवे रिसेंटली. अच्छा ठीक है. इस पर क्वेश्चन पर जाने से पहले गाइस, बुक्स का जो पार्ट है आपका यही खत्म होता है. अब हम ओबिचरी की बात करेंगे. सो क्रिकेटर ब्रायन टेबर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83. ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री. सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हम बात कर रहे हैं ब्रायन टेबर की जो कि क्रिकेटर थे. एंड अगर हम इनकी कंट्री की बात करें, ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. नेक्स्ट है मंगल ढिल्लन पास्ड अवे रिसेंटली. हु वॉज ही? मंगल ढिल्लन. ठीक है.
आपको इनका नाम याद रखना है, मंगल ढिल्लन की अगर हम बात करें, सो हेयर करेक्ट आंसर इज व्हाट, हेयर करेक्ट आंसर इज एक्टर। हेलो पलक, सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना दीदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96, इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिल्म फेयर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर हम सुलोचना दीदी की बात करते हैं सो वो एक्ट्रेस थी, ठीक है। दूसरा, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिल्म फेयर मिला था, किस साल में मिला था, तो ध्यान रखिएगा सुलोचना दीदी को ये अवार्ड मिला था इन ईयर 2004, ठीक है, ओके। अमीर राजा हुसैन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 66, हु वॉज ही। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं अमीर राजा हुसैन की। सो आपको मुझे ये बताना है कि अमीर राजा हुसैन जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ वो क्या थे। सो ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं अमीर राजा हुसैन की तो वो एक्टर थे, ओके। देन गीतांजलि अय्यर पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। गीतांजलि अय्यर जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी। यस, सो जब हम गीतांजलि अय्यर की बात करते हैं, शी वॉज न्यूज एंकर, ठीक है। गीतांजलि अय्यर न्यूज एंकर थी एंड शी पासेस अवे, बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया शिवंगी। चलिए, देन सिल्वियो बर्लुस्कोनी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो थोड़ा इनका डिफिकल्ट नाम है, बट सिल्वियो, ठीक है, सिल्वियो से आप याद रख सकते हैं ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे किस देश के, ठीक है। सो अगर हम यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें, इटली इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बढ़िया। ए आर खलील पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91, ही वॉज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे हैं ए आर खलील की। आपको याद रखना है ए आर खलील इनमें से किस स्पोर्ट्स से कनेक्टेड थे, ठीक है। सो जब हम ए आर खलील की बात करते हैं, सो हेयर करेक्ट आंसर इज फुटबॉल, ए आई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। सो फुटबॉल से आप रिलेट कर सकते हैं ए आर खलील को। देन शरत बाबू पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 71, हु वॉज ही। तो आपने इनका नाम सुना होगा, आपने इनको देखा भी होगा। सो शरत बाबू की अगर हम बात करें, इनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है ये इनमें से किस फील्ड से थे, ठीक है। तो शरत बाबू की बात करें, ये एक्टर थे, ओके। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 68, हु वॉज ही, ठीक है। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की। आपको मुझे ये बताना है कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन इनमें से किस फील्ड से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो अगर हम बात करें डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की, सो अगर हम उनकी फील्ड की बात करें, ही वॉज साइंटिस्ट, ठीक है। वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, बिल्कुल सही है। चलिए, रंजीत गुहा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100, हु वॉज ही, ठीक है। सो हम यहाँ रंजीत गुहा की बात कर रहे हैं जिनका निधन 100 साल में हुआ है। सो आपको मुझे ये बताना है रंजीत गुहा की फील्ड, एंड जब हम रंजीत गुहा की बात करते हैं, सो ये बहुत फेमस हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे, ठीक है। तो रंजीत गुहा आपको याद रखना है, ही वॉज हिस्टोरियन। देन मनोबाला, ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 69, हु वॉज ही। तो मनोबाला जिनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मुझे इनकी फील्ड बतानी है, सो फटाफट मनोबाला की फील्ड देख लें, सो ही वॉज एक्टर। देन सिद्धार्थ राव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज को फाउंडर ऑफ विच कंपनी। सो सिद्धार्थ राव जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस कंपनी के को फाउंडर थे, ये आपको मुझे बताना है। एंड जब हम सिद्धार्थ राव की बात करते हैं, तो ही वॉज द को फाउंडर ऑफ वेब चटनी, क्या वेब चटनी। पाकिस्तानी कैनेडियन तारिक फतेह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73, हु वॉज ही। सो तारिक फतेह के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आपने इनको बहुत बार टीवी में देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल में देखा होगा। सो पाकिस्तानी कैनेडियन, ठीक है, तो अगर हम तारिक फतेह साहब की बात करें, सो ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, काफी फेमस थे।
फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95. बादल सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है, सो प्रकाश सिंह बादल के बारे में आप सभी ने सुना होगा. पॉलिटिक्स के काफ़ी फेमस थे, स्पेशली पंजाब में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. ठीक है, बादल परिवार काफ़ी ज़्यादा फेमस है पंजाब में. सो अगर हम बात करें कि वो कितनी बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, तो 5 times गाइस. ठीक है, टेन्योर आपको कम ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है, बट अगर हम बात करें हाउ मेनी टाइम्स, 5 times प्रकाश सिंह बादल पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे. ठीक है, देन ममुकोया. ठीक है, ममुकोया पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76. हु वॉज ही? ठीक है, हेलो शिवम. सो ममुकोया की अगर हम बात करें, उनकी फील्ड की बात करें, सो हेयर करेक्ट आंसर इज एक्टर. ओके, उत्तरा बावकर. क्या नाम है? उत्तरा बावकर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79. हु वॉज शी? ठीक है, क्या नाम है? उत्तरा बावकर. ठीक है, तो आपको मुझे उत्तरा बावकर की फील्ड बतानी है, एंड अगर हम उत्तरा बावकर की फील्ड के बारे में बात करें, सो हेयर करेक्ट आंसर इज एक्ट्रेस. ठीक है, देन अब्दुल अजीम पास्ड अवे रिसेंटली. हु वॉज ही? अब बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अब्दुल अजीम जिनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है कि वो किस फील्ड से थे. सो अगर मैं अब्दुल अजीम की बात करूं, ही वॉज क्रिकेटर. ठीक, जलाबला वैद्य पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86. हु वॉज शी? ठीक है, जलाबला वैद्य जिनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है वो इनमें से किस फील्ड से बिलोंग करती थी. सो जलाबला वैद्य के बारे में अगर हम बात करें, उनके फील्ड के बारे में बात करें, सो करेक्ट आंसर इज एक्टर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडस्ट्रियस केशव महिंद्रा. ठीक है, नाम से आपको आधा वैसे इंफॉर्मेशन मिल चुका है. सो केशव महिंद्रा इंडस्ट्रियस थे, उनका 99 ईयर्स की एज में निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है वो इनमें से किस कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन थे. सो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, करेक्ट आंसर आपको अपने आप ही देखने के लिए मिल रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड. ठीक है, तो केशव महिंद्रा इंडस्ट्रीज थे, चेयरमैन रह चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के. सारा थॉमस पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88. हु वॉज शी? बिल्कुल, देखिए वैसे केशव महिंद्रा बहुत फेमस थे हैं, तो इंडस्ट्रीज भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है. ठीक है, सो आप महिंद्रा से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो सारा थॉमस की अगर हम बात करें, हेयर करेक्ट आंसर इज राइटर. देन सलीम दुरानी. ठीक है, सलीम दुरानी के बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा. ठीक है, सो सलीम दुरानी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88. हु वॉज ही? ठीक है, सो अगर हम सलीम दुरानी साहब के बारे में बात करें, बहुत फेमस क्रिकेटर ये थे. सो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इसलिए आपको दिमाग में रखना है. हु हैज़ आई गेस ये क्वेश्चन तो हो चुका है, इसको मैं हटा रही हूँ. ठीक है, देन करुमुत्तु टी कनन. ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली. हु वॉज ही? ठीक है, सो करुमुत्तु टी कनन जिनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है कि वो इनमें से किस फील्ड से बिलोंग करते थे, एंड अगर यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें, सो करुमुत्तु टी कनन ये इंडस्ट्रियस थे. क्या कोई आप मुझे बता सकता है किस कंपनी वगैरह से ये बिलोंग करते थे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नोबल प्राइज विनिंग. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द कोई बात नहीं. ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ओबेसिटी सेक्शन. सो नोबल प्राइज विनिंग लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन गुडनफ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100. इन विच ईयर डिड गुडनफ विन द नोबल प्राइज? ठीक है, सो नोबल प्राइज विनर लिथियम बैटरी के जो इन्वेंटर हैं जॉन गुडनफ, इनका निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है कि इनको नोबल प्राइज किस ईयर में मिला था. तो ध्यान रखिएगा, इनको नोबल प्राइज मिला था इन द ईयर ऑफ 2019 में इनको नोबल प्राइज मिला था. 19, यस. डॉक्टर मंगला नर्लिकर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 80.
हु वाज शी, ठीक है। सो डॉक्टर मंगला नरलिकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मुझे ये बताना है वो इनमें से किस फील्ड से बिलोंग करती थी। एंड अगर यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें, सो शी वाज फेमस मैथमेटिशियन। ओके, समरेश मजुमदार, ठीक है, समरेश मजुमदार पासेस अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79, हु वाज ही, ठीक है। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं समरेश मजुमदार की, एंड आपको मुझे ये बताना है कि उनकी फील्ड क्या थी। सो ध्यान रखिएगा, ऑथर, ऑथर, ठीक है। सीनियर कांग्रेस लीडर ओमन चंडी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले ओमन चंडी ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे एंड ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के, तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये था हमारा सेशन। इतना ही क्वेश्चन आपको ओबिचरी एंड बुक सेक्शन से याद रखना है। सो ये पूरे टॉपिक कवर हो चुके हैं, हर एक न्यूज़ कवर हो चुकी है, जितना मैं आपको कवर करा सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं, ठीक है। कल पेपर है, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम है तो रिविजन करिए, अदरवाइज सो जाइए, ठीक है। सो कल आपका पेपर है, आपको उसके हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड एग्जाम्स को बहुत अच्छे से देना है, बिना किसी टेंशन के देना है। सो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस। अगर गाइस कोई भी डाउट है आपके स्टैटिक या करंट अफेयर्स को लेकर तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को मैं यहीं रैप अप करती हूँ। शिवम, अभी मुझे नहीं पता कि करंट अफेयर्स या इसकी क्लासेस आपको नेक्स्ट कब देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये जो पूरा शेड्यूल था मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। सो आगे कैसे क्या क्लासेस चलेंगी वो मैं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूंगी। ठीक है, सो चलिए मैं सेशन को यहीं रैप अप करती हूँ फिर गाइस। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पेपर वगैरह दीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।